अपघात झाल्यानंतर पळून जाणाऱ्या चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या नवीन नियमाला गोंदियातील वाहन चालकांनी विरोध केला आहे. गोंदिया शहरातील ऑटो चालक मालकांनी शहरात टायर जाळून या नियमाचा निषेध केला असता पोलिसांनी 18 आंदोलक ऑटो चालकांना ताब्यात घेतले असल्याने आमच्या वाहन चालक मित्रांना सोडा, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करू नका या मागणीसाठी 200 वर ऑटो चालकांनी रामनगर पोलीस ठाण्यासमोर गर्दी केली असून जोपर्यंत वाहन चालकांना सोडणार नाही तोपर्यंत पोलीस स्टेशन समोरून हटणार नाही अशी भूमिका वाहन चालकांनी घेतली आहे. केंद्र सरकारने वाहन चालकांकडून अपघात झाल्यास पळून जाणाऱ्या चालकाला 7 लाख रुपये दंड आणि 10 वर्षाची शिक्षा सुनावली असल्याने हा विरोध करण्यात येत आहे. जी हमारी मांग जो अभी नया कानून लागू हुआ है कि ड्राइवर यदि जगह से एक्सीडेंट होने के बाद भाग जाता है, भागने के बाद यदि भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना की हुआ है. अमित शाह जी ने बोले उस पर बयान दिए. हमारा ऐसा है कि हमारे को भागना पड़ता है, इसलिए भागना पड़ता है, यदि भागे नहीं तो पब्लिक हम लोगों को मार डालती है. और आप लोगों को देखे ही होंगे, यहीं पर अभी केस हुआ था वाजपेयी चौक पे, ड्राइवर को मार डाला गया, जबकि वो ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं थी. बच्चा बीच में आया था मगर तो भी वो ड्राइवर ने गाड़ी रोक के उस बच्ची को लिए तरफ गया और उतने में उसको पकड़े, पब्लिक ने उसको मार डाली. हम ड्राइवरों के साथ में ऐसा ही होगा तो हम ड्राइवरी क्यों करेंगे? और 7 लाख रुपये का जुर्माने की बात कर रहे हैं, 7 लाख रुपये यदि हमारे पास रहेंगे तो हम ड्राइवरी क्यों करेंगे सर? पहली बात ये. और 10 साल की यदि हमको सजा हो जाती है तो 10 साल हमारे परिवार कहाँ बैठेगा और हमारा परिवार क्या करेगा? हमारे को उतनी सैलरी तो है नहीं. ड्राइवर की सैलरी पूछने जाओ, आप पूछ लो किसी से भी, ड्राइवर की सैलरी 5,000, 4,000, 3,000 रुपये की सैलरी में काम करते हैं. कटंगी नाके और कुड़वा नाके पे जो भी हमारे ड्राइवर भाई ने जो वारदात की है, बिना परमिशन से उनको उठाया गया है वारदात में. ये बच्चे अंदर है, इनको छुड़ाने के लिए हमारी ये मांग है. कितने लोग हैं ये? यहाँ पर 14 लोग हैं और कुछ सिटी थाने में 4-5 लोग उठाए ऐसी पता चला है, 12 लोग वहाँ के ग्रामीण में कुछ लोग हैं. इन सबको यानी मतलब एकाएक जो आंदोलन की जो अमित शाह ने जो कलम लगाई है यहाँ ड्राइवर भाई लोगों पे, इसके वजह से ड्राइवर भाई लोग आवेश में आके हमारी मांग, कहाँ से 7 लाख रुपये भरेंगे और 20 लाख यानी मतलब 10 साल की सजा काटेंगे इस तौर पे, इसलिए इनको अंदर किया गया है तो इन्हें छुड़ाने के लिए यहाँ सब ड्राइवर भाई लोग जमा हुए हैं.